Good morning, children. Welcome to the Shivaji Group of Institution Online Classes, Kids. I am your Hindi teacher. Today I am going to take Hindi literature class. बच्चों पिछली कक्षा में मैंने आपको हिंदी लिटरेचर में पार्ट 7 खेल खेल में पढ़ाया था, समझाया था और उसके एक अभ्यास का भी कराया था. आज मैं आपको उसी के आगे वह कराने जा रही हूँ. तो सभी बच्चे अपनी हिंदी लिटरेचर की बुक खोलेंगे, पेज संख्या 56 यानी 56 ओपन करेंगे. अभ्यास संख्या 3, सही वाक्य के आगे सा तथा गलत वाक्य के आगे का लिखिए. देखते हैं तो का है, बच्चे कित कित का खेल खेल रहे थे. ये कथन सही है या गलत? ये वाक्य सही है. तो का में क्या लिखेंगे हम लोग? उसके आगे सा. फिर है खा, आजकल के बच्चों के पास खेलने का समय कम है. एक वाक्य सही है या गलत? ये वाक्य सही है. आजकल के बच्चों के पास खेलने का समय कम है क्योंकि वो टीवी और मोबाइल में ज्यादा व्यस्त रहते हैं. तो आते हैं गा पर, चाचा जी ने बच्चों को कबड्डी का खेल सिखाया. ये कथन सही है गलत? ये कथन गलत है. फिर है घा, वे कुछ देर खेल पाए थे कि बारिश आ गई. ये कथन सही है या गलत? ये कथन सही है. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? सा. आपका अभ्यास 3 पूरा हो गया है. अब मैं आपको अभ्यास 4 सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए कराने जा रही हूँ. सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए. का है, बॉबी अपनी बहन बबली के साथ खेल रही थी. ऑप्शन है आ गिल्ली डंडा, बा डेंगा पानी, सा कोना कोनी, दा कित कित. कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ता वाला ऑप्शन सही है, कित कित. फिर खा नंबर है, चाची बचपन में खेला करती थी. ऑप्शन है आ एक टांग की दौड़, बा छुपन छुपाई, सा कबड्डी, दा ये सभी. इसमें भी दा ऑप्शन सही है, ये सभी. का है, पतंग उड़ाने के चक्कर में खाना तक भूल जाते थे. ऑप्शन है आ राजेश, बा बबली, सा बॉबी, दा चाचा जी. इसमें भी ऑप्शन दा ही सही है, चाचा जी. फिर आखिरी घा है, बच्चों ने किसकी मदद से गुड़िया बनाई. तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन आ बुआ की, बा चाची की, सा दादी की या दा भाभी की. इसमें ऑप्शन बा सही है, चाची की मदद से गुड़िया बनाई. तो आपके अभ्यास 3 और 4 पूरे हो गए हैं. अब मैं आपको भाषा की बात के अभ्यास का कराने जा रही हूँ. तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे. भाषा की बात, निम्नलिखित और ये पहला है अभ्यास, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम छांटकर सामने दिए गए स्थान में लिखिए. निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम छांटकर सामने दिए गए स्थान में
सामने दिए गए स्थान में लिखिए। का है उनका भी खेलने का मन कर रहा था। तो इसमें सर्वनाम शब्द क्या है बच्चों? उनका। क्या लिखेंगे? जो आपके आगे जगह दी है उसमें लिखेंगे उनका। फिर खा है चाची आप खेलेंगी। इसमें सर्वनाम क्या है? आप। इसमें सर्वनाम क्या है? आप। फिर गा है तुम्हारी उम्र में तो हम कितने ही खेल खेलते थे। इसमें क्या है सर्वनाम? तुम्हारी और हम। इसमें दो सर्वनाम है, तुम्हारी और कौमा हम। फिर घा है तुम्हें टीवी देखने से फुर्सत मिले तब ना। इसमें सर्वनाम क्या है? तुम्हें। फिर आखिरी है अगा, वे सभी अपने अपने समूह बनाकर खेलने लगे। इसमें सर्वनाम क्या है? वे। तो आपकी अभ्यास ये पूरा हो गया है भाषा की बात का। अब मैं आपको अभ्यास दो, सही वर्तनी पर घेरा लगाइए कराने जा रही हूं। दो है सही वर्तनी पर घेरा बनाइए। सही वर्तनी मतलब जो सही लिखा है उस पे आपको घेरा बनाना है। का है अतिथि, अतिथि और अतिथि। तो इसमें कौन सा सही है? इसमें पहला वाला सही है। का में पहला वाला जो लिखा है अतिथि। आ, आ ता में छोटी की मात्रा, था में छोटी की मात्रा, अतिथि। फिर खा है ईश्वर, ईश्वर या ईश्वर। इसमें कौन सा सही है? इसमें खा में दूसरा वाला सही है, बड़ी ई आधा शा व और रा, ईश्वर। उसके बाद गा है त्योहार, त्योहार या त्योहार। तो इसमें लास्ट वाला सही है, आधा ता या में ओ की मात्रा, हा में बड़े आ की मात्रा और रा, त्योहार। फिर घा है प्रणाम, प्रणाम या परनाम। इसमें दूसरा वाला सही है, प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम। अब है आपका अभ्यास तीन, निम्नलिखित भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए। इसमें आपको भाषाएं दी हैं, उनकी लिपियां लिखनी है, जो मैंने आपको हिंदी लैंग्वेज में भी पढ़ाया है। तो ये अभ्यास आपका आपको खुद से करना है, ये आपका होमवर्क है। मैं एक बार बता देती हूँ, हिंदी की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी और उर्दू की फारसी। अभ्यास चार है, नीचे दिए गए शब्दों में रा के उचित रूप का प्रयोग करके शब्द दोबारा लिखना है। इसमें यानी रा का प्रयोग करना है। जैसे सप लिखा है तो क्या हो जाएगा? सर्प। वसा लिखा है तो क्या हो जाएगा? वर्षा। राष्ट्र लिखा है तो क्या हो जाएगा? राष्ट्र। गाहक लिखा है तो क्या हो जाएगा? ग्राहक। तो ये आपके अभ्यास तीन और चार होमवर्क है, मैंने आपको ओरली बता दिया है, इसे आपको होमवर्क में करना है। आज के लिए इतना ही, आगे का काम मैं आपको अगली कक्षा में कराऊंगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।